इस वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस के बेसिक थ्योरी पार्ट को, यानी जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। पहले इनिशियल टाइम में हमको हर एक स्टेप चीज़ें समझनी होंगी नेक्स्ट जेएस पे। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप और उसके बाद आपको आगे ऐप का नाम लिखना है। एक बात याद रखो कि हम लोग ऐप इसलिए बनाते हैं नेक्स्ट ऐप क्योंकि डेटाबेस के साथ काम रिएक्ट नहीं कर सकता है, डेटाबेस के अलावा लॉगिन लॉग आउट ये सब नहीं कर सकते हैं। डेटा बहुत बड़ा हो जाए यानी फुल स्टैक का काम करने लगे तो रिएक्ट सिर्फ काम नहीं आएगा, उसके साथ साथ नेक्स्ट भी चाहिए। तो रिएक्ट का जितना कुछ तुम पढ़े हो या रिएक्ट का जितना तुम कुछ जानते हो सब नेक्स्ट में अप्लाई होता है, बस कुछ शर्तों के साथ, यानी कुछ कंडीशन अप्लाई होता है जो कि उस टाइम करने टाइम समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्रिएट नेक्स्ट ऐप लिखेंगे और ऐप का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट लर्न नाम रख लेते, ठीक है, ऐप का नाम ही यही रख लेते। तो हम इसको इंस्टॉलेशन में लगा दिए हैं। ये आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले कि वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, देख लीजिए 14.2, तो ये प्रोसीड कर देते हैं, यस हो जाएगा इंस्टॉलेशन का काम। सबसे पहले सवाल पूछेगा टाइप स्क्रिप्ट देना है कि नहीं देना। देखो जावास्क्रिप्ट जैसे एक लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक और लैंग्वेज बनाया जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनाया है, उसका नाम है टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखने के बाद ही आप उस पर काम कर पाइएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद ES Lite टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है तो हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। टेलीविन CSS साथ में इंस्टॉल आएगा, मतलब अलग से तुमको इंस्टॉल नहीं करना है। SRC फोल्डर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जो तुम्हारा उसमें रिएक्ट में SRC फोल्डर आता है, वो तुमको लगता है कि SRC के अंदर काम करना है, SRC चाहिए तो यस करो नहीं तो नो करो। हम आपको रिकमेंड करते हैं नो के लिए, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जेएस में SRC का काम नहीं है, आप बिना SRC फोल्डर के भी काम कर सकते हैं, तो यहाँ नो कर देना। ऐप राउटर नया फीचर है, दो तरह का राउटर होता है, पेज राउटर ऐप राउटर, तो ये ऐप राउटर को रिकमेंड किया गया है नेक्स्ट जेएस की तरफ से नए वर्जन में कि इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको पहले ऐप राउटर सिखा लूँ, उसके बाद आप पेज राउटर भी सीख लेना, दोनों चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। तो आप ऐप राउटर को यस कर दीजिए। इसके बाद ये जो आपके सामने आ रहा है इस पर यस या नो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टॉलेशन का जो स्पीड है वो नेक्स्ट जेएस का ज़्यादा अच्छा है कंपेरेटिवली रिएक्ट, तो जितना रिएक्ट में समय लगता है उससे कम समय में ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आगे वीडियो को ले जाऊंगा। देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा हो गया है, मैं आपको कमांड दिखाता हूँ या सक्सेस आ गया, इसका मतलब इंस्टॉलेशन हो चुका है। मैं अब आपको ये प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो अभी इंस्टॉल हुआ है, इसका नाम नेक्स्ट लर्न है, यहाँ है VS कोड में, इसको ओपन कर लीजिए। सिंपल सा VS कोड में ओपन किया और आपके सामने VS कोड प्रोडक्ट, देखिए अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बस आपको डाल देना है। npm run dev, अब वहाँ पे कमांड था npm start, यहाँ पे कमांड है npm run dev, dev मतलब यहाँ डेवलपर से है, डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट को रन कर दो। IP एड्रेस मिला, सेम IP एड्रेस है, कोई अलग नहीं है। पहला पेज जो आएगा वो रिएक्ट का अलग है और इसका अलग है, आप इसको देख सकते हैं। ये फास्ट लोडर है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, खुद रिएक्ट ने बोला है कि मेरे से अच्छा है, ठीक है ना। रिएक्ट खुद कहता है कि आप मेरी जगह पे नेक्स्ट का इस्तेमाल कीजिए, ऐसा रिएक्ट का वेबसाइट खुद कहता है, दिखाता हूँ, ये वेबसाइट ऑफिशियल है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे तुमको बता रहा है कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, ये कह रहा है ट्राई करो रिएक्ट को, और वो नीचे में लिखा हुआ है कि इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ न्यू ऐप यूजिंग एप्लीकेशन फुल विथ रिएक्ट, वी रिकमेंड पिकिंग वन ऑफ द रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क पॉपुलर इन द कम्युनिटी। ये कह रहा है कि अगर तुम बहुत अच्छा पावरफुल, मतलब रिएक्ट अपने आप में बता रहा है कि हम सिर्फ फ्रंट एंड के लिए हैं, अगर तुम बहुत पावरफुल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो मेरे साथ कोई ऐसा फ्रेमवर्क के साथ काम शुरू करो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यू कैन यूज़ रिएक्ट विदाउट फ्रेमवर्क, तुम रिएक्ट के बिना भी, सॉरी नेक्स्ट के बिना भी या किसी फ्रेमवर्क के बिना भी रिएक्ट यूज़ कर सकते हो। हाउ एवर वी हैव फाउंड इन अ मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे जगह पे, लेकिन कोड स्प्लिट करना, राउटिंग करना, डाटा फेस करना, जनरेट एस्टिमेट करना, ये सब में महारत हासिल है। बाय स्टार्टिंग विथ अ फ्रेमवर्क यू कैन स्टार्ट रिएक्ट क्विकली और बिल्ड कर सकते हो अपना फ्रेमवर्क बाद में भी। तो ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ग्रेड लेवल का, प्रोडक्ट ग्रेड मतलब होता है ऐसा फ्रेमवर्क जो सबसे अच्छा है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट ग्रेड रिएक्ट फ्रेमवर्क में नाम आ रहा है। दिस फ्रेमवर्क सपोर्ट ऑल द फीचर्स यू नीड टू डिप्लॉय एंड स्केल योर एप्लीकेशन,
इन प्रोडक्शन एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड द सपोर्ट फुल स्टैक आर्किटेक्चर वर्जन। पूरा का पूरा तुमको एक फ्रेमवर्क मिल सकता है जो कि और तरह के सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर वन पे आता है नेक्स्ट जेएस। देखो यहाँ पे पेज राउटर बेस्ड भी है, ऐप राउटर बेस्ड भी है, इंस्टॉल करने का तरीका भी बता रहा है, ठीक है। उसका दूसरा नंबर पे आता है रिमिक्स, तीसरा नंबर पे आता है गिट्स बे आई, ठीक है। उसके बाद ये है मोबाइल के लिए, नेटिव एप्लीकेशन के लिए, एक्सपो यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। जब लैपटॉप तगड़ा वाला जिसके पास रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन तगड़ा रहेगा, तो मैं ज़रूर इसमें इंट्रोड्यूस कर दूंगा। उसके लिए ये कमांड लिखना पड़ता है इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। और यह देखो ऐप राउटर, नेक्स्ट जे एस ऐप राउटर रीडिज़ाइन द नेक्स्ट ए पी आई एंड फुल टीम आर्किटेक्चर असिंक्रोनस कंपोनेंट के साथ, सर्वर कंपोनेंट के साथ, मेंटेनेंस बाय वर्सल, वर्सल कंपनी का नाम है जो नेक्स्ट जे एस को बनाया। यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, देखो ये पहला पेज है, फर्स्ट पेज। तो ये तुम पूरा कह रहा है क्या कि गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग ऐप के अंदर जो पेज डॉट जे एस है एंड सी यू चेंज इंस्टेंटली। चलो करके देखते हैं क्या क्या फोल्डर आया। जैसे वहाँ एस आर सी फोल्डर आया था जिसमें तुम काम कर रहे थे, वैसे यहाँ पे ऐप के नाम का फोल्डर है, यानी एस आर सी फोल्डर को ही मान लो यहाँ पे ऐप है। अब ऐप के अंदर आपका सारा काम होगा, जो आपका मेन पेज है वहाँ पे मेन डॉट जे एस था, ऐप डॉट जे एस था, यहाँ पे पेज डॉट जे एस है, ठीक है। यहाँ पे हर फोल्डर के पास एक पेज डॉट जे एस होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक है जो तुम वहाँ पे ऐप डॉट जे एस के साथ खाली करके लिखते थे, वही तुम यहाँ लिख कर चेक कर सकते हो काम करा कि नहीं करा। देखो देखोगे तुम्हारा ये पहला पेज चेंज हो गया चेंज, यानी तुम अपना जो डिज़ाइन करते हो करते हो। एक और बात ये कि रिएक्ट में जो रिएक्ट राउटर डॉम करता है, अलग अलग पेज बनाता है, कंपोनेंट बनाता है, यहाँ पे तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ फोल्डर बनाओ, उसके अंदर पेज डॉट जेएस बनाओ, वो तुम्हारा फोल्डर पेज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमको कार्ड बनाना है उस केस में, तुम्हारा प्रोजेक्ट केस में, तो तुम ना ऐसे करके फोल्डर बनाओ कार्ड के अंदर पेज डॉट जेएस। फोल्डर क्या बना? कार्ड। अंदर क्या बना? पेज डॉट जेएस। जो नॉर्मली कंपनी बनाने का तरीका वही बनेगा, RAFC सेम। और जो तुमको लिखना है इसमें दिस इज कार्ट लिख देते हैं, दिस इज कार्ट। ये तुमको रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना ही नहीं है, यहाँ बिना इंस्टॉल किए हो जाएगा तुम्हारा काम। तुमको क्या करना है? स्लैश कार्ट, बन गया पेज। ना राउट, ना राउट, ना लिंक, ना ग्रुप, ना राउटर डॉम, ना राउटर ब्राउजर, दिस इज कार्ट, पेज पे आ गए, कुछ नहीं। लिंक तो लगेगा यहाँ पे, लेकिन अभी हम तो डायरेक्ट स्लैश लगा के एक्सेस कर लिया, तो अगर हम क्लिक करके जाना चाहते हैं तो लिंक लगता है। कहाँ, कैसे लगेगा लिंक? देखो इतना आसान, वही लिंक तरीका जो था वहाँ, बस यहाँ रिएक्ट राउटर की डॉम की जगह पे यहाँ पे इंपोर्ट होगा नेक्स्ट स्लैश लिंक से। इंपोर्ट कर लो, HREF डालो, HREF जो ए टैग में डालते हो, स्लैश कार्ट बंद कर दो, माई कार्ट लिख देते हैं, हो गया। ध्यान रहे वहाँ भी यही बात था, यहाँ भी यही बात है कि दो कंपोनेंट एक साथ रेंडर नहीं हो सकता, फ्रेगमेंटेशन यूज़ कर सकते हो आराम से, फ्रेंडली हो तुम इससे, बहुत आसान है। और इसके बाद तुम उस पेज पे जा सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर होम पेज पे हम रहेंगे तो वहाँ पे हमको एक लिंक भी मिलेगा। देखो पेज रिलोड हो रहा है, माई कार्ट क्लिक किए सीधा कार्ट पे आ गए बिना पेज रिफ्रेश हुए, तो मज़ा ही मज़ा लोगे। इतना नेक्स्ट जेएस काम करेगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर एडवांस तक सब हम थ्योरी में बताने वाले हैं, पूरे सीरीज में बैठे रहिए, बहुत कुछ होने वाला है। इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ तो समझ गया क्या क्या करना होता है, कंपोनेंट बनाना होता है, प्रॉप्स पास करना होता है, ये सब रिएक्ट का पार्ट है। नेक्स्ट का पार्ट को सीखने के लिए आपको next.org वेबसाइट, हम एक्चुअल में यहीं से सिखाएंगे ताकि तुम लोग भी वहाँ से जाके रेफरेंस ले सको वीडियो में देख देख कर। तो सबसे पहले आते हैं कि रिएक्ट का नेक्स्ट जेएस क्या है। देखो नेक्स्ट जेएस इज़ अ रिएक्ट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट जेएस क्या कह रहा है? हम रिएक्ट फ्रेमवर्क है, यानी रिएक्ट का जितना काम है हम रिएक्ट से अच्छा कर सकते हैं। क्या समझे? रिएक्ट का जितना काम है रिएक्ट से अच्छा। फ्रेमवर्क बाय बिल्डिंग अ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। फुल स्टैक मतलब बैकएंड भी काम करेगा, अब तक हमें सिर्फ फ्रंटएंड का, ठीक है। यू यूज रिएक्ट कंपोनेंट टू बिल्ड यूजर इंटरफेस, मतलब जो रिएक्ट कंपोनेंट तुम सीखे हो वही यूज करोगे, कुछ अलग से नहीं कर सकते। आगे क्या? एडिशनल तरीके से। तो हम लोग ना यहाँ पे समझ गए एडिशनल। नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड एडिशनल फीचर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन सोचो क्या क्या बताते हैं, सुनो। मान लो बहुत बड़ा साइज का इमेज है, 2000x2000 पिक्सल का इमेज है, और तुम यूज़ करो उसको 20x20 में, तो 2000 लोड होगा 20 के लिए, लोडिंग स्लो हुआ। और 100 इमेज है तब वेबसाइट भयानक स्लो हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे?
यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फीचर अवेलेबल है इमेज के, जितना इमेज का विथ हाइट होगा उतना ही इमेज का क्वालिटी होगा, मतलब अपने आप इमेज से। हाँ तो इससे क्या होगा, वेबसाइट तुम्हारा सुपर फास्ट, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को समझो, यूजिंग द हुड नेक्स्ट जे एस ऑल्सो एक्सट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कॉन्फिगेशन टूल नीडेड रिएक्ट लाइक बंडलिंग कंपाइलिंग एंड मोर। दिस अलाउ यू टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर एप्लीकेशन इंस्टेड ऑन स्पेंडिंग टाइम ऑन कॉन्फिगेशन। देखो बहुत कुछ कॉन्फिगेशन करना पड़ रहा था, जैसे रिएक्ट ऑटो डॉम इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल करना होगा, वो इंस्टॉल करना होगा। मतलब तुमको रिएक्ट में उतना इंस्टॉलेशन हम कराए नहीं, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। हर काम के लिए एक तो पैकेज चाहिए, हर काम के लिए एक तो पैकेज चाहिए। रिएक्ट कहता है, ये सॉरी नेक्स्ट जेएस कहता है कि हम सब पैकेज लेके बैठे हैं, तुमको कोई कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक कॉन्फिगर कर देंगे, यानी तुम्हारा फुल फीचर कर देंगे। आगे लिखो, वेदर यू आर इंडिविजुअल डेवलपर, अगर तुम अकेले डेवलपर तो भी तुम्हारे लिए बेस्ट है, और ए पार्ट ऑफ द लार्जर टीम, तुम बहुत लोगों के साथ काम कर रहे तो भी ठीक है। नेक्स्ट जेएस कैन हेल्प यू टू बिल्ड इंटरफेस डायनेमिक एंड फास्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट जेएस से तुम रिएक्ट एप्लीकेशन बहुत फास्ट बना सकते हो। फीचर्स क्या क्या आता है वो देख लीजिए, मेन फीचर्स पर बात हो रहा है यहाँ पे इतना। पहला फीचर नंबर एक, राउटिंग। राउटिंग से रिलेटेड, इधर पेज में जाना, उधर पेज में जाना, ये पेज डालना, एपीआई बनाना, ये करना, वो करना, मतलब जितना राउटिंग से कंसेप्ट है सब का सब। ऑल द फाइल बेस्ड सिस्टम, सर्वर साइड कंपोनेंट सपोर्ट करना, लेआउटिंग को करना, नेस्टेड राउटिंग बनाना, लेआउट लोडिंग करना स्टेट को, एरर हैंडलिंग करना और बहुत कुछ। रेंडरिंग मतलब पेज को दिखाना, यूआई को दिखाना, कंपोनेंट को दिखाना। डाटा फेचिंग, यहाँ तक कि जो फेच फंक्शन है ना, फेच फंक्शन उसके लिए तुम यूज़ इफेक्ट लगाए थे वहाँ पे, यहाँ पे वो भी नहीं लगाना है, बिना यूज़ इफेक्ट लगाए डायरेक्ट काम कर सकते, मतलब तुम्हारा काम और रिड्यूस होने वाला है, तुम और आसानी की दुनिया देखने वाले हो। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक तो एपीआई कॉल करके, वही एपीआई जो कल किए थे रिएक्ट में। नाम क्या था, जेएसओन प्लेस होल्डर, ये वेबसाइट था, और इसका डेटा हम लोग को कॉल करना है, सपोज दैट कॉल करना है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटाज हैं, जैसे पोस्ट है, 100 पोस्ट है, कॉपी कर लेंगे, यूआरएल वही है। तो याद है तुमको, अगर इस पेज में तुमको कार्ड के पेज में चाहिए तो तुमको बस सिंपली यहाँ पे लिखना होगा कॉन्स्ट, उसके बाद तुमको अपना वेरिएबल बना लीजिए जो बनाना है, पोस्ट अवेट, जब अवेट लगाते हैं तो असिंक्रोनस करना पड़ा, उसके बाद फेच फंक्शन, अवेट लगाने से देन 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 नहीं लगाना लगाना देन 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 नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। देखो हो गया, कहाँ गया यूज़ इफेक्ट लगाने का सिस्टम, बिना उसके हो गया। उसको जेएसओन में ले लिए तुम, पोस्ट डॉट जेएसओन, वहाँ देन में लिखते थे, ये पोस्ट डेटा तुम्हारे पास आ गया। तुम क्या करो देखो यूएल टैग, पोस्ट लूप, वही लूप, पोस्ट डाटा डॉट मैप, हो गया। इसमें नाम क्या है, टाइटल है ना, हाँ ठीक है, ये चेक करो, हो गया डेटा कॉल, नहीं समझे, हो गया काम, आपका यूज इफेक्ट का काम यहाँ पे ख़त्म, कितना इजी है, यानी फेच वाला काम एकदम आसान हो गया, ठीक है। स्टाइलिंग, CSS का मॉड्यूल और CSS में काम धड़ल्ले से कर सकते हो। ऑप्टिमाइजिंग, इमेज हुआ, फॉन्ट हुआ, स्क्रिप्ट हुआ, सबको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और टाइप स्क्रिप्ट भी सपोर्ट करता है, तो वहाँ तो रिएक्ट में टाइप स्क्रिप्ट अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें पहले से ही है, बस यस नो सेलेक्ट करो, हो गया कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, आगे का काम। अब हम लोग को पहले ये सीखना है कि पेजेस कैसे बनाते हैं। तो जैसे हम अभी आपको बताएं कि स्लैश, कोई भी पेज चाहिए स्लैश लगा के, जैसे स्लैश कार्ट, स्लैश ऑर्डर, स्लैश ये, बस आपको उसको ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाना है उस नाम से, और उसके अंदर पेज डॉट जे एस, मतलब अंदर जो फाइल का नाम है सबका सेम है। देखो बाहर भी पेज डॉट जे एस है, अंदर भी पेज डॉट जे एस, पेज डॉट जे एस मतलब पेज है, ठीक है, फोल्डर का नाम से मतलब है, इसी को बोलते हैं ऐप राउटर, ठीक है, क्लियर है। तो जो काम आप लोग कल कॉम्पोनेंट में कर रहे थे, जो काम आपने कॉम्पोनेंट में किया है, उसको अगर कॉम्पोनेंट को उठा के डालना है तो क्या करेंगे, तो अपना फोल्डर बनाओ कॉम्पोनेंट नाम से, वही ना करते हो, ये अलग तो नहीं है। अब मान लो हेडर डालना चाहते हो, RAFC वही सब कुछ, रिएक्ट वाला सारा बात, ठीक है। आइए हेडर में लिख देते हैं यहाँ पे क्लास लगा के, टेक्स्ट एक्सेल फॉर्म,
मोनो, फ्लिक्स फ्लिक्स डैश वन, पी वाई फाइव, पी एक्स टेन, ठीक है। ये मेरा हेडर बन गया, डिज़ाइन जो करना है कर लो, जो तुम किए हो, तुमको कहीं भी किसी भी पेज में चाहिए उसके आगे आओ और वहाँ पे सिर्फ लगाओ, देखो वही तरीका, कुछ अलग नहीं। रिएक्ट से तुम फ्रेंडली हो तो तुम यहाँ भी फ्रेंडली हो, देखो ध्यान रखो इम्पोर्ट नहीं हुआ तो हेडर इम्पोर्ट होना चाहिए, ऊपर इम्पोर्ट हुआ हेडर पट्टी आ गया, बैकग्राउंड कलर लगा के दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। क्लियर? यानी जो कंपोनेंट तुम बना रहे हो उसमें, उसको इसमें मूव कर सकते हो, कॉपी करके यहाँ से पेस्ट ला सकते हो। कल ये प्रैक्टिस कर लेना कि कंपोनेंट कैसे रेंडर हो रहा है, पेजेस बना लेना अलग अलग, स्लैश कार्ड पे जो पेज बनेगा वो स्लैश कार्ड पे बनेगा, पहले फोल्डर बना लेना, अंदर डिज़ाइन होना हो बाद में देखेंगे, फोल्डर बना लेना और व्यू का पेज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब तुम तैयार कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आज सीखेंगे बस, इंस्टॉलेशन और ये राउटिंग का बेसिक चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।